खाना होता है, खाना आ गया है एंड ये है द पहला कहवा ऑफ कश्मीर। ओके सो वी आर गोइंग टू हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं भैया? कश्मीर वैली, डबियन और बाइसन। कश्मीर वैली, डबियन और बाइसन वैली, तो हम ये तीनों जगह। हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ कहीं तो, और कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊँगी। चलो चलते, जैसे जाते जाते हैं। अभी रात को बज रहे हैं 2 बज रहे हैं एंड वी आर ऑफ टू द एयरपोर्ट। एंड वेयर आर वी गोइंग? बताती हूँ, रुक जाइए। बट येस, सम एक्साइटिंग व्लॉग इज़ ऑन द वे, क्योंकि वी आर गोइंग टू अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर मी, जो मेरा वो ही नहीं पाया। तो चलिए, कैब आ गया है, लेट्स बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी चलते हैं। चलिए जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, लेट्स गो। एयरपोर्ट रात को 2 बजे, ये है द हाल ऑफ द एयरपोर्ट, इट्स जस्ट क्रेजी। तो चलिए चलते हैं। ओके तो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट एंड डीजी यात्रा ऐप इज़ जस्ट अमेजिंग। इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है एवरीथिंग एंड यस, चलिए अभी जाते हैं, बैगेज देते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी करके देन आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल, ठीक है? तो ये है द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग विथ डीजी यात्रा। अगर आपके पास है डीजी यात्रा तो आप एकदम सीमलेस वे में आप अंदर आ जाते हो एयरपोर्ट के एंड देन आपका जो लगेज है दैट ऑल्सो गोज इन विदाउट एनी क्यू। सो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड डीजी यात्रा। तो यहाँ पे हो गया हमारा सब कुछ, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बट डीजी ऐप इज़ एक्चुअली ब्रिलियंट। यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द क्यू, कोई झंझट नहीं, अपने आप फटाफट काम हो जाता है। तो हो गया सब कुछ, हम लोग आ गए, अभी हम लोगों का वेटिंग पीरियड, तो जाते हैं देखते क्या कर सकते हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। तो चलिए चलते हैं। ओके तो हम आ गए मैकडोनल्ड, क्योंकि हमारा सब कुछ हो गया है और अब हमको, हमारे पास बहुत टाइम है बिकॉज इट इज़ जस्ट कितना टाइम हुआ है, 3:06 है बट वॉच एंड क्या ही करें हम। तो हम आ गए हैं मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड में बैठ के अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टू द गेट, क्योंकि गेट पे भी जाके क्या ही करें, बहुत बहुत टाइम है। 4:30 को हमारा बोर्डिंग है तो अभी थोड़ा कॉफ़ी पियेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे। वैसे आज एयरपोर्ट बहुत ही खाली है, बिल्कुल लोग है ही नहीं ऐसे बोल सकते हैं। हमने डीजी यात्रा से वी गॉट इन, सो इट वाज वेरी वेरी स्मूथ। तो ये चलिए कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी आएगा तो कॉफ़ी दिखाती हूँ और फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टुवर्ड्स द गेट बोर्डिंग के लिए एंड देन बताती हूँ मैं किधर जा रही हूँ, ठीक है? आ गया है मेरा बेबी चीनो, तो अभी मैं पीऊँगी एंड देन उसके बाद देखते हैं। दिस इज़ बेटर देन हैविंग कैपुचिनो। तो चलिए बोर्डिंग शुरू हो गया है, जाके एयरक्राफ्ट पे बैठते हैं फिर मिलते हैं। ओके तो इट इज़ 5:05 एंड वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट और होपफुली वी विल बी ऑन टाइम। मतलब मैं तो ऑलरेडी थक चुकी हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है। सो चलिए चलते हैं एंड यस, एज यू कैन सी डिटेल, सो वी आर टेकिंग एयर इंडिया एंड वेयर आर वी ऑफ टू? अनदर 2 hours, 2.5 hours एंड आई विल टेल यू वेयर वी आर ऑफ टू। सो चलो कम, लेट्स सी ऑन द अदर साइड। तो द फ्लाइट में जो खाना होता है, खाना आ गया है एंड दे हैव गिवन, बाय द वे इट्स नॉन वेजिटेरियन खाना। आई कैन सी अ बन, पानी तो है, योगर्ट है और इसके साथ है क्या है, वैसे फ्लाइट पूरा खाली है, खाली है खाली। ओह माय गॉड, देयर इज एन ऑमलेट veggies, a little bit of baked beans and omelets. I don't like the khana but then jo hai kha lete hain.
खाते हैं फिर मिलते हैं और थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ओके तो वी हैव लैंडेड एट श्रीनगर और अब हम जाएंगे पहलगाँव और आ गई है हमारी गाड़ी, हमने पहले से गाड़ी बुक करके रखी थी तो गाड़ी आ गई है एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पहलगाँव। तो चलिए, जैसा आप लोग को शायद पता होगा दैट इट इज़ श्रीनगर एयरपोर्ट इज़ नो वीडियोग्राफी नो फोटोग्राफी जोन क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, तो एयरपोर्ट में तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट एनी विच वे हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के बाहर और ये देखिए द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ श्रीनगर। वैसे देखने में तो एज ऑफ नाउ इट इज़ जस्ट अनदर सिटी, नथिंग डिफरेंट नथिंग खास, बट पता नहीं क्यों इट्स लाइक अंदर से ही लग रहा है कि ओ माई गॉड आई मीन हेवन, ऐसा एक फील आ रहा है। बट जेन्युइनली ये देखिए, वी आर आउट ऑफ द सिटी एंड हेडिंग टुवर्ड्स पहलगाँव और लुक एट द माउंटेन्स, क्लाउडी है तो इसीलिए इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल। आई थिंक इट्स इज सिंकिंग इन दैट येस एट लास्ट, मतलब कितने सालों से आई हैव बीन प्लानिंग टू कम टू कश्मीर बट हुआ ही नहीं है, बट टुडे यस आई एम सो एक्साइटेड। लोगों ने तो देखा ही होगा कि कितना गंदा खाना मिला था हम लोगों को प्लेन में, तो हमारा जो ड्राइवर साहब है उन्होंने हमको यहाँ पे लेके आए हैं, तो लेट्स गो सिट हैव समथिंग। जबरदस्त भूख लगा है एंड इट इज 11:15, बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो चलिए चलते हैं। आई डाउट वेदर दे हैव ओपन्ड, एनीवे लेट्स गो इन एंड सी। ओके तो हम लोग 2 घंटा सफ़र करके टूवर्ड सोनमार्ग अब जा रहे हैं। हम लोग 8 बजे जैसे आप मैंने पहले बताया एयरपोर्ट से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचे, उसके बाद 2 घंटा ट्रैवल करके अभी हम लोग आए हैं सोनमार्ग। एंट्री टू सोनमार्ग एब्सोल्युटली यहाँ के बराबर खाने की दुकान नहीं मिल रहा था, तो एट लास्ट एक और दुकान में क्या हो रहा है पता नहीं, मेरा कैमरा किधर चला गया, तो देर इज नो दुकान। मुश्किल से हमको एक दुकान मिला और जो एक ही दुकान था वो देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, बट अब ये जो जगह है तो हम आए हैं थोड़ा कुछ खाएंगे। ये ऑर्डर करते पनीर पराठा एंड ऑफकोर्स कश्मीर आए हैं तो कावा तो बनता है, तो हमने ये ऑर्डर किया है, अभी हम खाएँगे और फिर आगे जाएंगे तो खाते हैं। आ गया है मेरा पनीर पराठा, अभी खाएंगे हम लोग और इसके साथ कहवा भी आएगा, खाएंगे और फिर जाएंगे टुवर्ड्स पहलगाम। और ये है द पहला कहवा ऑफ कश्मीर, खा पी के हो गया और अब हम चले टुवर्ड्स पहलगाम। खाना वॉज बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हमने सोचा ही नहीं था कि ये लोग इतना अच्छा बनाएंगे क्योंकि दे आर हार्डली ओपन। तो चलिए चलते हैं टूवर्ड्स पहलगाँव, अभी दिखा रहे 1 आवर 5-10 मिनट्स ऐसा कुछ है। और ये देखिए बीच बीच में आप लोगों को ना दिखेगा मिलिट्री मैन, दे आर ऑल ओवर, दे आर जस्ट स्टैंडिंग एवरी 500 मीटर्स, तो आपको दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, ये तो लग रहा है कोई मार्केट प्लेस। बापरे कितने बड़े बड़े परांठे, बापरे। हाँ एट लास्ट पहुँच गए हम पहलगाम पहुँच गए और हमारी ड्राइवर साहब ने अभी बताया दिस इज़ द लीडल रिवर, पहलगाम में जो फ्लो करता है द लीडल रिवर। बाप रे कितना सफ़ेद, एकदम इतना क्लियर वाटर, ओ माई गुडनेस दिस इज़ ब्यूटिफुल, लुक एट दिस द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पहलगाम। एक ब्यूटी देख के ही तो मैं फिदा हो गई, पता नहीं आगे आगे क्या आएगा, बट ये अरे अरे ये देखिए, यहाँ से अमरनाथ यात्रा का जो लोग आते हैं यहाँ से शुरू करते हैं उनका जो यात्रा है,
कितना अच्छा अरेंजमेंट, बाप रे, देखो इट इज डन सो वेल। बट देन यात्रा दो दिन पहले खत्म हो गया, तो अभी दे आर गोइंग टू गो बैक, सो आई गेस दैट इज द रीजन दे आर अगेन वैकेटिंग एवरीथिंग, क्लियरिंग अप द स्पेस, क्योंकि दिस इज ऑल टेकन केयर बाय द BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, दे आर डूइंग द नीडफुल। ओके, तो पहलगाम तो हम पहुंच गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो फर्स्ट होटल में जाएंगे, उधर सामान रख के देन हम निकलेंगे, देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। वैसे आज का प्लान है तो सब कुछ देखना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो चलते हैं पहले होटल में चेक इन करते हैं एंड देन अभी एवरीथिंग इट सीम्स हमारे होटल के एकदम आजू बाजू है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सो लेट्स गो एंड फर्स्ट चेक इन। सो वी हैव रीच्ड पहलगाम एंड ये है हमारा होटल और ये कुछ ऐसा है जैसे आप देख सकते हो, इट इज जस्ट ब्यूटिफुल। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द होटल और अभी हम लोग चेक इन करेंगे, चेक इन करके तुरंत हम निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो वील डू फटाफट निकल के वी आर गोइंग टू गो एंड ऑफकोर्स द साइट सींग हेयर, कुछ बेताब वैली है, दैट इज चिलन, आरू वैली, सो ये सब देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा रही हूँ, मैं अलग से एक ब्लॉग बना दूंगी सो दैट इट गेट्स इजी फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कश्मीर। तो एनी विच वे दिस इज माई रूम एंड नाउ वील क्विकली गो आउट एंड थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि भूख तो जबरदस्त लगाई है, तो खा के देन वी विल गो आउट फॉर द साइट सीइंग। सो दिस इज अ क्विक ग्लिम्स ऑफ द प्रॉपर्टी, बट हाँ अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में जानना है मैंने अलग से ब्लॉग बनाया है, जरूर देखिएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज होटल एंड रेस्ट्रॉ, हमारा जो ड्राइवर है उन्होंने हमको रेकमेंड किया और ये देखिए दिस इज द प्लेस, दिस इज द रास्ता, तो चलिए चलते, भूख बहुत लगा है एंड दिस इज आई थिंक पहलगाम मार्केट। चलिए लेट्स गो, पहले खा लेते हैं फिर। अब हम ले लेंगे, थैंक यू। ओके, तो ये है हम लोग का पहलगाम में आके द फर्स्ट लंच, एकदम कश्मीरी लंच, ये आ गया है गुस्तावा और प्लेन राइस खाते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि हाउ इज़ द फूड। बहुत ही अच्छा खाना खाया, वी हैड ऑसम कुश्तावा एंड राइस और अब हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं अंदर रोड्स ऑफ पहलगाम क्योंकि अब हमारी गाड़ी आएगी और देन वी आर गोइंग टू गो टू सी द डिफरेंट साइट, दैट इज क्या है, बेताब वैली, आरू वैली, ये सब देखने जाएंगे। तो हमारा ड्राइवर साहब ने बताया कि हमारे होटल के साथ ही लगा हुआ है जहाँ से वो घोड़े शुरू होता है फॉर बैसर वैली, तो अरे बाप रे दिस इज द चार्ट, क्या क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो घोड़ा वाला है वो दुनिया भर का हमको साइट्स के बारे में बता, जगह के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाइए, यहाँ पे, एंड ही वॉज चार्जिंग अ बॉम्ब, तो हम वहाँ से नहीं लिया, हम आगे जाके और एक बंदे से बात की एंड देन वी decided to just go to Baisaran Valley and come back क्योंकि Baisaran Valley के बारे में उन्हें बहुत सुना है। रास्ता देखिए, बाप रे बाप रे बाप, मैं तो पूरा जान हथेली पे थी, बात करने का मेरे में ताकत नहीं था, बट द गाय हु took us was amazing। छोटू सा बंदा था, मुश्किल से ही वॉज 26-27 ईयर ओल्ड, बट बाप रे क्या द वे ही वॉज कंडक्टिंग, ओ माई गॉड, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। मैं कैसे पहुंची और कैसे वापस आई मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो सोचा था उधर ही मेरा आज हो गया, बस बात खत्म उधर ही, बट देन नहीं, जिंदा तो वापस आई हूँ, बट द रोड इज एक्सट्री
एक्सट्रीमली स्टीप एंड घोड़ा कहाँ कहाँ से जाता है। पता नहीं क्या बोलूँ, वेदर यू शुड एक्सपीरियंस और यू शुड नॉट एक्सपीरियंस, मुझे खुद को ही नहीं पता वेदर आई शुड रेकमेंड और आई शुडेंट रेकमेंड। बट आप लोग देखिए, मैं दिखा रही हूँ जितना हम लोग कैप्चर कर पाए, उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कीजिए आपको जाना है कि नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहाग अचानक से शुरू हो गई बारिश। थैंकफुली हम लोगों के पास रेनकोट था, हम लोगों ने रेनकोट पहन लिया, बट देन बाप रे बाप और ज़्यादा स्केरी हो गया। बारिश हो रही है, घोड़ा किधर से चल रहा है कुछ पता नहीं। मेरा हाल देखिए, मतलब मैं हंस रही हूँ, कैसे हंस रही हूँ मुझे भी नहीं पता। तो चलिए चलते आगे जाते हैं, लेट्स अगेन टॉक वंस आई रीच द पैसरन वैली। लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए और अभी बाप रे दूसरा चैलेंज गेटिंग ऑफ द हॉर्स। ओ गॉड, मुझे तो मैंने भैया को बोला भैया मुझे इधर ही बैठने दो घोड़े पे, फिर अभी थोड़ी देर बाद आप वापस लेके जाना। सो दिस वाज 1 आवर फ्रॉम पहलगांव टू दिस वैली और दिस इज द मिनी स्विट्जरलैंड। तो चलिए अभी उतरते हैं। बापरे, एट लास्ट आई कुड गेट डाउन। अभी चलते हैं, लेट्स सी मिनी स्विट्जरलैंड कैसा है, इतना कुछ करके जो आए हैं इज इट वर्थ इट और नॉट। तो चलिए लेट्स गो। पूरा भीग गई हूँ क्योंकि व्हेन वी वर राइडिंग बारिश शुरू हो गई। थैंकफुली मेरे पास रेनकोट था, मैंने पहन लिया है, तो इसीलिए बाकी तो आया है फाइन, बट बाल पूरा गीला हो गया है, ठंड भी लग रही है। बट हैट्स ऑफ टू दैट बंदा जो हमको लेके आए हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। मैं तो जो डर रही थी बट मैं आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, ठंड है बहुत, मतलब नॉट बहुत बट इट्स नाइस। कहवा पीने के लिए एकदम ऐप्ट हो रहा है, थोड़ा मीठा है बट अच्छा लग रहा है क्योंकि बारिश के लिए अच्छा लग रहा है। मिनी स्विट्जरलैंड देख के हो गया वापस, खतरों के खिलाड़ी बनने का टाइम आ गया है। और चलिए चलते हैं वापस। भैया बोल रहा है कि 40 मिनट्स लगेगा बिकॉज इट इज़ डाउन हिल, बट आई डाउट। तो चलिए चलते हैं, इफ़ भैया इज राइट देन बाई 2:30 वी शुड बी बैक टू द प्रॉपर्टी। सो लेट्स गो, क्योंकि उसके बाद हमको बाकी चीज़ें जैसे आड़ू वैली, बेताब वैली वो भी सब देखने जाना है, चंदनवाड़ी ये सब देखने जाना है। तो चलते हैं। वैसे अभी तो फिर ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि डाउन हिल, पता नहीं घोड़ा कैसे क्या मैनेज करेगा। इधर से जाना बेटा, इधर से ले जाना। आप अभी क्या कर रहे हो इसको? उधर देखो मैडम, उधर तो बहुत है, ये कश्मीर वैली है ये वाला। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ विद बैसरन वैली एंड कश्मीर वैली, दो चीजें जो आपको देखना है जब आप आते हो पहलगाम। बैसरन वैली थोड़ा सोचना हाँ, वैसे एक हो जाता है टिक कर ही सकते हैं, बट हाँ डरावनी तो जरूर है। तो जो भी है चलिए चलते हैं। द होल थिंग टुक अस अबाउट 2 आवर्स गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, बट यस एडवेंचर, खतरों के खिलाड़ी। तो चलिए चलते हैं, अब जाते हैं हम लोग आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हम लोग अभी रवाना होंगे, दैट विल बी बाय कार, सो टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। सो वी वुड बी टेकिंग
वी वुड बी सॉरी गोइंग टू आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवारी जाके देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। सो दिस इज आवर फर्स्ट डे पहलगांव, सो फार सो गुड, नॉट सो गुड, इट इज एक्सीलेंट। तो ऑन दैट नोट बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन टू माई नेक्स्ट ब्लॉग ऑन मंडे विथ पहलगांव पार्ट 2। सो डू स्टे ट्यून्ड दोपहर को 2 बजे, ठीक है ना? और क्या करते क्या नहीं करते देखना है ना कि नहीं, सो दैट आप भी आ सकते हो कश्मीर एंड एंजॉय कर सकते हो। सो बाय।